बिहार में मुर्गी पालन के लिए आमतौर पर तीन प्रजातियां प्रचलित हैं, श्रीनिधि, ग्रामप्रिया और वनराजा। मुर्गी की ये तीनों प्रजातियां कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद द्वारा विकसित की गई हैं। सबसे पहले बात श्रीनिधि की। ग्रामीण मुर्गियों की अपेक्षा श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में 150 से 160 अंडे देने वाली दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है और ये प्रजाति फार्म में 240 से 250 अंडे तक दे सकती हैं। एक ओर जहां ग्रामीण मुर्गियों का शारीरिक भार 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का होता है, वहीं श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियों का भार 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक का होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियां देशी मुर्गियों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। अगली प्रजाति ग्रामप्रिया मुर्गी की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है। इस प्रजाति की मुर्गियां 18 महीनों में 200 से 230 अंडे तक दे सकती हैं और इन मुर्गियों का शारीरिक भार 1.6 किलोग्राम से लेकर 1.80 तक का होता है। ग्रामप्रिया प्रजाति की खास बात ये है कि इस प्रजाति की मुर्गियां फुर्तीली होती हैं और इसलिए ग्रामीण परिवेश में ये मुर्गियां प्रभक्षियों से भी सुरक्षित रहती हैं। तीसरी प्रजाति है वनराजा। ये भी दोहरी उपयोगिता वाली अच्छी नस्ल है और ये प्रजाति ग्रामीण परिवेश में प्रतिवर्ष 110 से लेकर 120 अंडे देने की क्षमता रखती है।